मंजिल तो मिल जाएगी, भटककर ही सही गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर शर्मा, पीटर टॉपिक स्टडी में आपका स्वागत है। आपने थंबनेल में ही देख ही लिया हुआ, आज हम बात करने वाले हैं CITS इंट्रेंस एग्जाम की, जो कि एडमिट कार्ड कल आ गया है। अभी तक आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। और हमारे साथ जो कि है आशीष वर्मा जो है REC से है, और तरुण शर्मा जो कि है REC से है। हम लोग उस दिन भी दो वीडियो इसके पहले हम लोग बना चुके हैं। पहले वीडियो में हमने बनाया था कि इंट्रेंस एग्जाम की कैसे तैयारी करें, और उसमें PDF के लिए बनाया था। तो PDF के लिए हमारे काफ़ी दोस्तों को दिक्कत ये हो रही थी कि PDF कैसे डाउनलोड करें। तो मैंने दूसरी वीडियो में बताया था कि PDF आपको कैसे डाउनलोड करना है। हर ट्रेड के लिए कम से कम 5 PDF है। इन 5 PDF को आप पढ़ लेते हैं तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता CITS में। इस बार आप CITS जरूर करेंगे। और मैंने कट ऑफ के बारे में भी बताया था कि आपको कट ऑफ कितना लाना चाहिए और नहीं लाना चाहिए। अब आज हम बात करने वाले हैं कि बाकी 8 तारीख को एग्जाम है, तो आज 2 जुलाई है। 8 और 5 के बीच में देखें तो आपके पास 5 दिन है। तो इन 5 दिन में ही क्या करना है इसके बारे में बताएंगे। 5 दिन हम कैसे पढ़ लें कि आपका सिलेक्शन हो जाए, हमने कैसे पढ़ा था, या फिर जो लोग अभी तक कुछ नहीं तैयार किए उनका भी सिलेक्शन आपके मात्र हमारे 10 मिनट के बीच आप हमें 10 मिनट दीजिए। और लास्ट में देखिए, हम आपका 10 मिनट मांगते हैं, हम आपको सिलेक्शन दिला कर दिखाएंगे CITS के एंट्रेंस में। तो पहले मैं बता दूं कि आपको करना क्या है। अभी तक आपने PDF नहीं निकलवाया तो PDF निकलवाने के लिए आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन कर लें, और टेलीग्राम पे जो है फीटर और इलेक्ट्रीशियन के लगभग 5-5 PDF पर है। 5 PDF को आपको प्रिंट निकालना पड़ना है, मोबाइल से नहीं पढ़ना है। प्रिंट थोड़ा सा खर्च कीजिए, आप प्रिंट निकलवा के पढ़ लेना है। कैसे पढ़ना है वो भी हम आगे आपको बताएंगे कि कैसे पढ़ना है। तो चलिए कुछ आशीष से जान लेते हैं, फिर कुछ तरुण से जानेंगे। तरुण ने भी अच्छी तैयारी की थी और आशीष ने भी। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। जैसे कि आपने पुरानी वीडियो में तो हमें देखा ही होगा, आप पहचान गए होंगे, हम आशीष वर्मा जी हैं। जैसे आपको शेखर भैया ने बताया है कैसे क्या तैयारी करना है, और आपके लिए शेखर देखो कितना संघर्ष कर रहा है। यहाँ पे लाइट भी नहीं है, कल से लाइट खराब है, और फिर भी आपसे इतनी गर्मी में वीडियो बनाया जा रहा है, हम लोग पसीना पसीना हो रहे हैं। आपको अब जैसे लास्ट के 5 दिन बचे हैं, जैसे शेखर ने बता रहा कि PDF से आपको पढ़ना, PDF को निकलवा के पढ़ना। निकलवा के पढ़ने से क्या, जैसे मोबाइल से पढ़ोगे तो थोड़ा उतना अच्छे से समझ में नहीं आता है। निकलवा के पढ़ोगे तो उसकी एक आंसर शीट भी होती साइड में, तो आप आंसर शीट से क्वेश्चन देख भी सकते हो कि कौन सा गलत है कौन सा सही है, और उसको पढ़ने के बाद में आपको अनुमान लग जाता है कि हाँ ये मैंने सही पढ़ा है गलत है। मोबाइल से पढ़ो तो फिर उसको ऊपर नीचे स्लाइड करते रहोगे कि आंसर कौन सा, साथ में तो आपको पढ़ने में बहुत आसानी रहती है। पहली बात तो ये, और दूसरी बात, आप 5 दिन बचे हैं तो 5 दिन के हिसाब से आपको रिवीजन करना है। जो जितना पढ़ लिया उतना पढ़ लिया, अब आप उसको रिवाइज कर लीजिए कि इसको याद हो जाए। अगर आप रिवाइज नहीं कर पाओगे तो भी दिक्कत है, क्योंकि आपने पढ़ तो सब कुछ डाला, रिवीजन नहीं है तो वहाँ पे आप भूल सकते हो। एक दो बार अगर आप रिवाइज कर लोगे PDF तो एकदम से क्वेश्चन आपके वहाँ पे आराम से हो जाएंगे। तो आशीष ने तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया, बताया कि आप, और फिर अभी हम तरुण सर के पास चले गए कि तरुण बताए वो उन्होंने कैसे तैयारी किया था। और फिर इसके बाद भी अभी वीडियो के अंत तक बने रहे, एक से एक जबरदस्त आपको ट्रिक देंगे। आपको अपना हिम्मत नहीं खोना है, इतना बात याद रख, एक मूल मंत्र आपको देना चाहूँगा, I will I can। कभी भी हालत आपको बोलना है I will I can। अपने आप को मोटिवेट करते रहना है, मैं करूँगा मैं कर सकता हूँ। 5 दिन आपके लिए बहुत होता है। आपने देखा होगा कि एग्जाम के दिन तक लड़के पढ़ते हो, कहने वाले कहते हैं कि वो पागल है, दुनिया जिसे पागल कहती है वही सिलेक्शन लेता है। थॉमस एल्वा एडिसन को भी दुनिया ने पागल कहा था कि वो पागल है, वही जाके बाद में स्कूल से उसको निकाल दिया गया। पूरी कहानी अभी तो नहीं बता पाऊंगा, ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। लेकिन अगर लोग आपको पागल कह रहे हैं, आपका विरोध हो रहा है, समझिए कि आप कुछ अच्छा करने वाले हैं। चलिए अब तरुण सर के पास चलते हैं। तरुण बताया कि क्या क्या करना है एग्जाम के लिए। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं तरुण शर्मा, एड REC का छात्र हूँ, बैच 2022 से लेकर 23 तक। मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले तो CITS देखिए, CITS के एग्जाम को 2 पार्टों में आपका डिवाइड किया गया है। यहाँ आपका 25% पोर्शन आपका आएगा लगभग रीजनिंग और मैथ का, और 75% आपका आएगा थ्रेड थोड़े समय। देखिए आपको लगभग एक अच्छा कॉलेज प्राप्त करने के लिए, जैसे हम IIT से कर रहे हैं तो लगभग आपको REC के अंदर ही, कोई REC का छात्र तो लगभग 60 या 70+ आपको स्कोर करना होगा एक अच्छा कॉलेज आपको मिलने के लिए। क्योंकि आप जैसे कि बेसिकली आप जानते हैं कि REC ट्रेड केवल 4 ही जगह है,
आपका अलीगढ़ लखनऊ आईटीओटी और आपका एक पंजाब में है और एक आपका कोलकाता में, ठीक है। इसके अतिरिक्त तो आपको बताना चाहेंगे कि सबसे पास यदि कोई जाने तो इधर के हमारे यूपी और हमारे मध्य प्रदेश के एरिया के जाने तो सबसे पास उनको लखनऊ ही पड़ेगा, ठीक है। तो लखनऊ के लिए आपको लगभग लगभग 60 प्लस स्कोर चाहिए चाहिए एंट्रेंस में निकालने के लिए, आपको काउंसलिंग में भाग लेने के लिए। दोस्तों अभी आप लोगों को तैयारी कैसे करनी है, देखिए तैयारी आप लोग पहले से कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे, अभी एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुके हैं, आपके जो इम्पोर्टेंट पोर्शन आ जाते हैं वो आ जाती है आपकी ट्रेड थ्योरी, क्योंकि ट्रेड को लगभग लगभग आपकी 75% में ट्रेड थ्योरी ही आनी है। तो बेसिकली आपको ज़्यादातर ध्यान ट्रेड थ्योरी ही भरी देना होगा, क्योंकि जो 25% पोर्शन है वो आपका मैथ और रीजनिंग का है। मैथ रीजनिंग में लगभग आपका नॉर्मली आप सभी बच्चे लगभग 25 नंबर में से 25 में से 23 कर देंगे, 23 प्लस मान के 20 तक तो कर ही देंगे। इसके अलावा आप यदि ट्रेड थ्योरी को अपना अच्छा बना लेते हैं तो आप बड़े आराम से यहाँ सिलेक्शन ले सकते हैं। जैसे कि शेखर भैया ने बताया आपको इलेक्ट्रीशियन और फिटर का वही से ग्रुप से मिल सकता है, आप चाहे तो उसको नेट पर से भी आप अवेलेबल है, वीडियो में बता दिया गया है, अदर ट्रेड वालों के लिए आरएसी के लिए अदर उसमें है तो वहाँ भी आपको लिंक दे दिया जाएगा, वो सब कुछ उसमें वहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आरएसी के चाहिए तो आपसे प्रोवाइड व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह होगा, मटेरियल तो हर ट्रेड का मटेरियल आपको हर चीज के लिए हर कहीं ना कहीं से आप यदि चाहेंगे तो हर पढ़ने वाले के लिए कोई चीज नहीं, आप पढ़ने के साधन अलग अलग ढूंढ सकते हैं, आप डिजिटल जमाना है हर चीज के लिए आपको अवेलेबल चीजें हो सकती हैं। तो इसलिए बेस्ट यही होगा कि आप अब अच्छे से तैयारी कीजिए, लग के तैयारी कीजिए, क्योंकि लास्ट ही बाजीगर हो जाए जो लास्ट में बाजी मार के चला जाता है, ठीक है। लास्ट देखिए, ये मत देखिए कि अब तक क्या किया, अब आने वाला देखिए कि हम पिछला नहीं सुधार सकते पर अपना आने वाला कल जरूर सुधार सकते हैं, यही हो। थैंक यू, आज हमारे शिखर भैया बताएं। देखिए आपको हमेशा यही सोच के चलना है, अपने आप को मोटिवेट करना है कि आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, भीड़ जिसके लिए खड़ी है वो बनना है, अपने आप को मोटिवेट करें, आई विल आई कैन, आप कर सकते हैं, मैं करूंगा मैं कर सकता हूं, अपने आप को मोटिवेट करके चलिए। और रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ के लिए थोड़ा सा बारे में बताइए कैसे क्वेश्चन बता दो, पीडीएफ को निकलवा लीजिए। और पीडीएफ को पढ़ना कैसा याद करना है मैं आपको बता दूँ, जैसे आपको 5 पीडीएफ निकलवा लेना है, हर ट्रेड के लिए 5 पीडीएफ है, और उसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको जो पीडीएफ एक एक पीडीएफ को अलग अलग करना है, सबको इकट्ठा नहीं स्टेपल कर देना है, अलग अलग करना है। और पीडीएफ में क्या करना है, पहले वाले का पढ़ेंगे ऐसा टिक करना है, टिक ये नहीं सोचिएगा कि मेरा पीडीएफ में टिक कर लिया तो मैंने टिक कर लेना है, दूसरे वाले को भी टिक करना है, तीसरे वाले को भी टिक करना है। तो मैं बता रहा था कि पीडीएफ आपको तो निकलवा ही लेना है, मोबाइल से तो पढ़ना ही नहीं बिल्कुल ही, पीडीएफ निकालने के बाद पहला क्वेश्चन पढ़ना है, फिर आंसर से अपने से अनुमान लगाना है कौन होगा नहीं होगा, फिर आंसर देख के उसको टिक कर लेना है, पेन से करो या फिर पेंसिल से भी कर सकते हैं, हाईलाइटर से भी कर सकते हैं, ऐसा करके आपको सारे पीडीएफ को कर लेना है एकदम कंटिन्यू। अभी तो ये नहीं कि लगता है एक ही बार बैठे तो सब पढ़ लो, अभी 10-15 मिनट में जो भी क्वेश्चन देख पाए उसके बाद वहां से रुक जाना है, फिर नेक्स्ट टाइम बैठे तो वहां से शुरू करना है, इसके बाद ऐसे करके पूरा पीडीएफ कंप्लीट कर लेना है। पूरा कंप्लीट करने के बाद अब तो आपको टिक लग गया है सारे पीडीएफ में, उसके बाद क्या करना है, कोई भी पीडीएफ जो 5 पीडीएफ है, एक पीडीएफ को उठाए एक प्रिंट को और पीछे से पढ़ना स्टार्ट करना है। जब पीछे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो उसमें पीछे से नीचे से ऊपर ऊपर करते चले आना है, यही काम आपको 3-4 बार करना है, आपका सिलेक्शन होने से कोई ये नहीं सकता। रही बात मैथ और रीजनिंग की, तो मैथ रीजनिंग लगभग बेसिक लेवल का है, वर्किंग टाइम और कुछ बेसिक है, उतना हार्ड नहीं है, प्लस माइनस ज़्यादा आता है, नॉर्मल सा मैथ आता है, अगर नॉर्मल मैथ आपको आता है उसमें रीजनिंग भी नॉर्मल है, कोई वो नहीं है। अब फिर आशीष और तरुण से जान लेते हैं कुछ। देखो सबसे पहले है आपको क्वेश्चन को जो रीड करना है, क्वेश्चन रीड बहुत ध्यानपूर्वक करना है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ ऐसा आपको लगे कि क्वेश्चन पॉजिटिव है पर क्या होता है क्वेश्चन लास्ट में लिखा होगा नहीं हो सकता, अब आप पॉजिटिव समझ के आंसर उसका गलत कर दोगे, तो क्वेश्चन को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना, अगर वो नहीं कह रहा तो उस चीज़ को बहुत बारीकी से समझना है, नहीं तो क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे, ये चीज़ बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ही ध्यान से समझनी है। ऐसे करके बहुत से लोगों के क्वेश्चन गलत हुए हैं, मैंने ये चीज़ खुद ही फील एक दो बार नोटिस किए, मैंने क्वेश्चन पढ़ा और मुझे लगा कि क्वेश्चन सही है पर मैंने देखा नहीं है तो क्वेश्चन गलत हो गया, लास्ट में नहीं है। इस टाइप के अगर आपको क्वेश्चन मिलते हैं तो आप उनको बहुत बारीक तरीके से पढ़ के उनका आंसर दीजिए। चलो ठीक है, आप देखो तरुण कुछ बताएगा।
देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात आपकी आती है पीडीएफ के लिए। पीडीएफ पढ़ने के साथ साथ आपको मेन तो आपका पीडीएफ है, क्योंकि पीडीएफ से क्वेश्चन बहुत सारे आपको मेनली फंस जाएंगे, हैं। दूसरी बात, आप लोगों को जो करना है वो ये करना है कि पीडीएफ को, ठीक है, पीडीएफ पर टिक के निशान लगा लिया, उसको बार बार रीड कीजिए, अच्छे से रीड कीजिए। रही डेढ़ थ्योरी, लगभग आपका वहीं से कंप्लीट हो जाएगा। रही आपकी मैथ और रीजनिंग वाला पोर्शन, मैथ और रीजनिंग वाला मतलब बेसिक मैथ आता है, इतना हार्ड मैथ नहीं आएगा कि आप एडवांस लेवल या फिर, क्योंकि बेसिकली जो होता है आईटीआई लेवल बेस का एक पेपर होता है, जो सीआईटीएस है आईटीआई लेवल से ऊपर ही होता है। इसमें आपका बीटेक और तुम्हारा डिप्लोमा एंड आईटीआई, ये तीन ही लगभग जो चीज़ें होती हैं, तीन ही प्रकार के आदमी होता बैठे, इसमें कोई एक मल्टीपल ट्रेड से आपको ये करना पड़ता है सीआईटीएस। तो बेसिकली आपको जो करना है वो सिर्फ यही करना है कि आप ट्रेड चुनिए, उसको अच्छे से पढ़िए और उसको अच्छे से याद कीजिए। पॉइंट ये भी बताना, आईटीआई के जो बच्चे हैं उनको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आईटीआई के बच्चे बीटेक और डिप्लोमा बैकग्राउंड के बच्चे रहते हैं, आईटीआई वाले बच्चों को देखिए, आईटीआई वाले बच्चों को मेहनत अलग से ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें बीटेक और डिप्लोमा दोनों के बच्चे बैठ रहे हैं, ठीक है। मैथरीजिंग वाला पोर्सन अच्छे से कीजिए ऑल द बेस्ट पेपर के लिए, और ध्यान रखिए पेपर में कम से कम एक घंटा पहले सेंटर पर जरूर पहुँच जाना अपने, ठीक है। आगे आपको शेखर बताएंगे क्या। चलिए, अभी तक हम लोगों ने आपको जो भी एक्सपीरियंस दिया, आप कमेंट नहीं करते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। आप जहीं भी जाइए अपना कुछ पहचान जरूर छोड़ के जाइए, आपको वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा कुछ कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट ये इंडिया देगा, हमें भी कुछ मोटिवेशन, जैसे हमें पता भी चले कि हमारी क्या गलती है, हमने आपको क्या बताया, आपको भी पता लगना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, हमने क्या बताया, आपकी समझ में आया नहीं समझ में आया, सब आप बताइए कमेंट के जरिए। इतना देर रुके तो एक मिनट आपका टाइम और लेना चाहूँगा, क्योंकि आप कमेंट के लिए कमेंट करके बताइए कि आपके लिए वीडियो कितना हेल्पफुल रहा है, और वीडियो जरूर ये आपको मदद करेगा आपके सीआईटीएस एग्जाम के लिए। और लास्ट में यही कहूँगा कि कुछ कर दिखा वैसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, हमेशा भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, भीड़ जिसके लिए खड़ी है वो बनना है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट पेपर के लिए, ऑल द बेस्ट सभी को पेपर दीजिए।